शिमला जिला के रामपुर स्थित महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी के चिकित्सकों के प्रयास से 10.5 किलो का यूट्रिन साइक्रोकोमा महिला के पेट से निकाला गया है। हालांकि अभी लैब टेस्ट से पहले फाइब्रॉइड टिश्यू के फैटी डिजराइजेशन से ये सारा कोम स्टिक अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन इस तरह के मामले प्रदेश में ना के बराबर सामने आते हैं। शिमला जिला के रामपुर स्थित महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी के चिकित्सकों ने प्रयास से 10.5 किलो का यूट्राइन सार्कोमा महिला के पेट से निकाला है। हालांकि अभी लैब टेस्ट से पहले ये फाइब्रॉइड टिश्यू की फैटी डिजनरेशन है या सार्कोमा स्टिक अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन इस तरह के मामले प्रदेश में ना के बराबर सामने आते हैं। रामपुर के खनेरी चिकित्सालय के चिकित्सकों ने प्रयासों से इसका सफल ऑपरेशन हुआ है और मरीज भी अब सामान्य है। मरीज के परिजनों ने बताया, अगर चिकित्सकों ने हालत को देख ऑपरेशन के लिए मना कर दिया होता तो प्रदेश से बाहर जाना पड़ता। ऐसे में आर्थिक संसाधनों की कमी से वे इस इलाज को बड़े हॉस्पिटलों में नहीं करा पाते। उल्लेखनीय है कि गुड्डी नामक एक महिला जो कि कुल्लू जिला के आनी निवासी 10 दिन पूर्व महात्मा गांधी चिकित्सा सेवाएं परिसर में दाखिल हुई। उन्हें ओपीडी में सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर संजय को दिखाया गया। अल्ट्रासाउंड जांच करने के उपरांत डॉक्टर संजय ने उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश शर्मा के पास भेज दिया। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सारी जांच करने के बाद बस सिटी स्कैन रिपोर्ट देखने के बाद मरीज को ऑपरेशन की सलाह दी। ऑपरेशन के दौरान गर्भाशय व ओवरीज को निकाल दिया गया। डॉक्टर द्वारा भौतिक जांच करने के बाद इसमें ट्यूमर पाया गया। डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है कि ये यूट्राइन सार्कोमा भी हो सकता है। ऑपरेशन से निकाला गया अवशेष का भार 10.5 किलो के करीब है। डॉक्टर दिनेश का मानना है कि ये फाइब्रॉइड टिश्यू की फैटी डिजनरेशन भी हो सकती है। ऑपरेशन के दौरान टीम में डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर संजय सर्जरी विशेषज्ञ अब डॉक्टर सहित व डॉक्टर सतीश नेगी बेहोशी विशेषज्ञ शामिल थे। गौरतलब है कि डॉक्टर दिनेश पहले भी इस तरह के ऑपरेशन कर चुके हैं। महिला के पति अमरचंद ने बताया कि मरीज को लेकर रामपुर आए थे। उन्हें स्थिति से मरीज का इलाज कराना मुश्किल हो गया था। 5 से 6 वर्षों से मरीज को ये परेशानी थी। डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि खासकर इतना बड़ा साइज होना, इतना वजन होना, मरीज का इतने लंबे समय तक स्वाइप करना रेयर है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान ट्यूमर का पता चला और ऑपरेशन किया। उन्होंने बताया ये यूट्राइन सार्कोमा या फाइब्रॉइड टिश्यू की फैटी डिजनरेशन भी हो सकती है, जिसका लैब टेस्ट के बाद पता चलेगा। कार्यक्रम में एक बार फिर से वक्त हो गया ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।